उसके बाद हमें बीज का ऐसे निकाल दें। जब भी बोम्बिल फ्राई करेंगे ना इसी तरह से करना। और उसी के साथ हम ये हमारा जो मसाला पीस के रखे ये भी डाल देंगे। बोम्बिल डाल देंगे एकदम कड़क में। बच्चे भी खा सकते हैं, काटा तो रहता नहीं है तो काटे का टेंशन नहीं रहता इसमें। काटा निकालने का यही फायदा है, मतलब बच्चों को अपन बिंदास दे सकते हैं, बेटा ले खा, दिल खोल के खा, जी भर के खा, चलो डाल दे अपना खाने का खा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए क्या बात है। तो चलो बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। वो कहते हैं ना बोमिल फ्राई खा के जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे बहुत अच्छे माशाल्लाह। मॉर्निंग हो गई हमारी और नाश्ता वगैरह भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता होने के बाद अभी हमारा जो रूटीन है वो स्टार्ट करते। तो अभी सबसे पहले आज संडे भी है ना, तो बच्चे सब घर में ही हैं, सैफन भी घर में ही, अरे बाहर खेलते बैठा है ग्रिल में। और अभी मैं जा रही हूँ मच्छी का सालन बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है गए थे हम लोग मंडी मार्केट, तो वहाँ से हम लोग बोम्बिल लाए थे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टाइल बोम्बिल का सालन और बोम्बिल फ्राई। तो आप लोग का कमेंट भी आया है कि आप बोम्बिल का सालन बना के दिखा। हाँ है ना, तो आपकी फरमाइश को पूरी की जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें फ्राई भी करेंगे, सालन भी बनाएंगे और फ्राई भी बनाएंगे। हाँ दोनों अच्छा लगता है, सालन भी अच्छा लगता है, फ्राई भी अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ किचन में, किचन में चल के मिलते। चलो ये देखो आया। सलाम नहीं किया तो आ गई। अभी मैं किचन में अपनी रेसिपी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, मैं बना रही हूँ आज बोम्बिल का सालन और बोम्बिल फ्राई। तो यहाँ पर मैंने देखो गीले बोम्बिल ले ली हूँ। तो क्या करेंगे इसमें से आधे में फ्राई करूँगी और आधे का सालन बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो फ्राई बोम्बिल ज़्यादा पसंद करते। तो उन लोगों के लिए मैं फ्राई करूँगी और हम मियाँ बीवी के लिए सालन बनाऊँगी। तो दिखाती हूँ आइए। तो बोम्बिल फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो बोम्बिल है ना इसका बीच का कांटा मैं निकाल दूँगी। ये देखिए किस तरह से मैं निकालती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से छुरी की मदद से हम इसका काटा निकाल लेंगे, आराम से निकल जाता है इजीली। और इस तरह से बनाएंगे ना तो अच्छे भी लगते हैं बोम्बिल फ्राई, मुँह में काटा वगैरह कुछ नहीं लगता है। देख सकते हैं कितने इजी तरीके से ये निकल जाता है। उसके बाद हमें बीच का ऐसे निकाल दें। जब भी बोम्बिल फ्राई करेंगे ना इसी तरह से करना, तो बच्चे लोग बहुत खुशी खुशी खाते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, है ना, अच्छी तरह से मैंने पूरा काटा निकाल के इसको फ्लैट कर दिया। अब इसी तरह से मैं बाकी के बोम्बिल का भी सारा काटा निकाल लेती हूँ। तो दिखा दी ना मैंने आप लोगों को ऐसे काटा निकालते इसका, बस इसी तरह से सेम मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोम्बिल के कांटे सब निकाल लियो अच्छी तरह से और पानी भी पूरा अच्छे से निचोड़ लियो। पानी अच्छे से हाथ से दबा के निचोड़ लेना, अगर आप लोगों को कपड़े में लपेट के पानी निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, पर मैंने इसको हाथ से ही दबा के पूरा पानी इसका अच्छे से निकाल दियो। अब क्या करें, अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी के साथ जाएगा आधा चम्मच नमक, अब जाएंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा मसाले नहीं लगते, कम मसाले में ही बन के रेडी हो जाता है और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते। और आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, और जाएगा अब इसमें आधे नींबू का रस थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। क्या करेंगे अभी सारे मसालों को बोम्बिल में अच्छी तरह से हाथों से लगा लेंगे।
इस तरह से लगा के इसको मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। अच्छी तरह से मसाले जो है बोंबिल पे लग जाएंगे। तो यहाँ पर बोंबिल में मैंने मसाले अच्छी तरह से लगा दी हूँ और बोंबिल को मैं मैरिनेट कर दी। अब इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए, छोड़ देंगे फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले जो अच्छी तरह से बोंबिल में अंदर तक लग जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आधे घंटे के बाद आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से करती हूँ, जब तक हम बोंबिल के सालन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सालन के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर ली हूँ, इस तरह से रफली चॉप की हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, किनारी मिर्च, 4 से 5 कली लहसुन की, और ये एक टुकड़ा खोपरा। 5 वाला है कि 10 वाला है? ये 5 वाला है ना। हाँ, ये स्वाइनर से हम लोग लिए थे, वहाँ पे मिलता है 5 वाला 10 वाला 5 वाला 10 वाला, जो भी आप लोग जितना क्वांटिटी बढ़ानी है ना वो हिसाब से। तो मेरे को क्या है 6-7 बोंबिल का ही सालन बनाने के, तो मुझे 5 वाला टुकड़ा बस है। सब जगह नहीं मिलता जल्दी 5 वाला टुकड़ा, था ना ये टुकड़े जल्दी नहीं मिलते, कहीं कहीं पे मिलते। तो फिर ये देखिए मैं 5 वाला टुकड़ा डाल रही हूँ। ये 5 वाला क्यों बताया जा रहा है आपको, छोटा पीस है ना। हाँ, 10 वाला बहुत बड़ा हो जाता है। और रखा नारियल लेने से अच्छा है कि टुकड़े जो मिलते हैं वही डाल देने का। हाँ, झट मनी पड़ गया, फटाफट बनाओ फटाफट खाओ। तो आज बोंबिल का सालन बना संडे मेला, मैं खा के ही दुकान पे जाऊंगा। हाँ, वो तो जल्दी बन जाता है बोंबिल का, मच्छी का सालन कोई भी हो बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने इससे पहले बहुत से मच्छी के सालन की रेसिपी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और मच्छी मेरी फेवरेट है ना, मच्छी से मुझे आपने रोक ली, बोले तुम खा कर ही जाओ। मैंने चलो ठीक है, गर्मा गर्म बना देती हूँ, स्टीम राइस, रोटी, सालन और बोंबिल फ्राई, बहुत मजा आएगा। एक नंबर माशाल्लाह। चलो ये देखो यहाँ पर सब तैयार हो गया है, इसको हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और डाल के हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बारीक पेस्ट बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला पीस के रेडी कर ली हूँ, खुशबूदार मसाला है। हाँ, बहुत खुशबू आ रही है, एक नंबर। चलो अब क्या करेंगे, अब मसाले को बगा देने की तैयारी करते हैं। क्या बात, मच्छी का मसाला बहुत जल्दी भी बन जाता है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इतना इजीली आप लोगों को बताई हूँ। गोश्त आदमी 4-5 बूटी खाता है और मच्छी एक एक पीस मिल जाए, 2 पीस मिल जाए, उसमें खुश हो जाता है। सही बात है, मच्छी खाने में भी मजा आता है ना। अब गोश्त अच्छा, गोश्त पाव किलो भी ले लेगा ना थाली में तो भी कम पड़ता है, लेकिन फिश ऐसी चीज है ना कि इंसान 2 बूटी में खुश। अरे क्या बात है, 2 फिश का पीस आ गया, दिल खुश हो जाता है ना। सही बात है। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे, कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल, तेल गर्म होने देंगे, थोड़ा ना 2-4 कली लहसुन इस तरह से कूट के डालेंगे बघार में। हम लोग अजमेर से लाए थे, अजमेर से लाई थी मैंने के लिए, थोड़ा इमरजेंसी छोटे मोटे में काम आ जाता है। हम दस्ता क्या चलो, चलो माशाल्लाह। तेल गरम हो गया है, तेल में लहसुन डाल देंगे इस तरह से कि दाल में भी बघार डालते तो कूट के डालने अच्छा रहता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आवाज कम क्या, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता भड़का नहीं, डेली भड़क जाता है, गीला रहेगा तो ज्यादा चटकता है ना, जरा देता है वो कड़ी पत्ता जैसा डालेंगे। तो यहाँ पर देखो लहसुन हमारा लाल हो चुका है थोड़ा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तेल में, इस तरह से तेल में डालने से ना कलर अच्छा आता है सालन में। तो ये 1 चम्मच है ये मैं डाल रही हूँ, ये डाल के मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ हम ये हमारा जो मसाला पीस के रखे ये भी डाल देंगे। इस तरह से ना मजबूत तेल में लाल मसाला डाल देंगे कश्मीरी लाल में, जो कलर देखो कितना अच्छा आ गया, खुशबू जैसा डालते हैं बाजार की खुशबू आने लगी है। हाँ, मुँह में पानी आ रहा है, खुशबू बेहतरीन, एकदम दिल खुश हो रहा है। चलिए अब इंतजार है, अब इसी के साथ मैं डालूंगी कुछ सूखे मसाले। यहाँ पर जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जाएगा जीरा पाउडर। ये मसाले झटपट डालने का तरीका बहुत ही आसान है, देखो अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। अब थोड़ा नमक भी इसमें डाल देंगे,
नमक कितना? नमक टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच डाल रही हूँ, जैसा जिसको ज्यादा लगता है कम लगता है वो हिसाब से। सारे मसाले 2 मिनट भून लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल के मैंने 1 से 2 मिनट पका ली हूँ। स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, नहीं तो उड़ने लग जाता है। अब इसमें जाएगा ये मिक्सी जार खंगाल के पानी, मसाला है ना इसमें लगा हुआ। मीन बरकत यही है क्या? मसाला लगा हुआ रहता है ना, बरकत की चीज वही है भाई। चलिए अभी सब मसाले मैंने मिक्स कर दी हूँ। अब इसको हम ढक के 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और कच्ची स्मेल ना आए। इसलिए 10 मिनट भूनती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैं आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोम्बिल को अच्छी तरह से धो ली हूँ। बोम्बिल के मैं 2-2 टुकड़े करके डालूंगी सालन में, क्योंकि बड़े बोम्बिल है ना। 1/2 इस तरह से 2-2 टुकड़े। देखो एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ आप लोग को, मैं बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए समरीन सैफान, ये देखिए माशाल्लाह मेरी समरीन, मेरी बेटी और मेरा सैफान अपनी बहन के साथ मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा, छोटा नमाज पढ़ रहा। संडे छुट्टी है ना, मेरा भी खाना बना के हो जाएगा तो मुझे भी नमाज पढ़ना है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे यार आपके बच्चों को इसी तरह से हिदायत दे, 5 वक्ती नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, है ना, सबको बच्चों को नेक हिदायत दे। हमारा मकसद TRP लेना नहीं, हमारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने आपको हल्की सी क्लिप दिखा दी। ओके चलो। और माँ बाप जो करते हैं वैसे बच्चे पे असर पड़ता है ना। बेशक बेशक, हम भी पढ़ते हैं इसलिए बच्चे भी हमारा देख के वो भी पढ़ते हैं। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह सबके बच्चों को नेक हिदायत दे, तौफीक दे। सब जो बच्चे काम धंधे में माहिर है अल्लाह उनको कामयाब करे, जिनकी शादी नहीं हुई है खास तरह से उनके लिए हमारी दुआ है अल्लाह उनके हाथ जल जल पीले कर दे, जिनकी बेटियां और बहनें घर में हैं। हम लोग हर नमाज में सबके लिए दुआ करते हैं। बेशक बेशक, हम सबके दुआ करते हैं, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करे। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, खुशबू खुशबू भून गया अपने ऊपर से, जो तरी आके जो पक रहा है ना वो कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मसाला भून जाता है ना तो इसी तरह से ऊपर तरी आ जाती है, तेल छोड़ देता है मसाला। ये देखिए हम फिश भी एकदम रेडी है, अंदर जाने के लिए तैयार है फिश, मसालों के अंदर मच्छी जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर कोकम मेरा खत्म हो गया था तो अभी बच्चे से मंगाई, हुसैन से तो ला कर दिया है कोकम। बहुत से लोगों को कोकम नहीं पता है कि कोकम क्या होता है, तो ये अक्सर सी फूड में डाला जाता है। मच्छी के सालन में हमेशा कोकम डालेंगे तो उसके खटास से ही अच्छा लगता है सालन। मच्छी के सालन में कोकम 4 चांद लगा देता है। हाँ। मतलब खुले अल्फाज में ऐसा कहा जाता है। हाँ, जिसके पास नहीं है कोकम तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं, बराबर उससे भी खट्टा कर सकते हैं या तो खटाई डाल सकते हैं। कोकम तो आसानी से मिल जाता है, फ्री नहीं क्या? नहीं मिल जाता है। 20 रुपए का तो कितना सगा लेके आया है। कहीं कहीं जगह पे नहीं मिलता, उसके लिए बता। हाँ, इमली तो इमली हर जगह मिलती है। तो ये मैं 4-5 टुकड़े देखो इस तरह से धो के इसको भिगा दूंगी, क्योंकि बाद में भी जब सालन में जाएगा ना, और बाद में सालन का कोकम भी खाने में जो बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा अच्छा भी लगता है। और जो फायदेमंद है कोकम, वो पीती तो चलती, उसके लिए फायदेमंद है, पीत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। देखिए देखो ये मैं फिर 4-5 टुकड़े कोकम लेके धोके में भिगा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके, मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाले भून जाएंगे ना तो इस तरह से तेल छोड़ देते, देख सकते हैं। और जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना अच्छा खाने में टेस्ट भी आता है। ये मसाले के साथ ही आदमी रोटी खा लेंगे। फिर क्या, मसाला रोटी बनते ना। और आप क्या करेंगे, हमें कोकम भिगा के रखी हूँ ना, ये डाल देंगे पानी के साथ, और इसमें और 1 गिलास पानी डाल देंगे। जितना पतला आपको चाहिए वो हिसाब से डालना, बस मैं इतना ही पतला करूंगी, क्योंकि हमें रोटी के साथ भी खाना है, उसको चावल के साथ भी खाना है। अब बोम्बिल डालने के बाद क्या, बोम्बिल में भी पानी होता है ना तो और पानी छोड़ देता है, बराबर। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने कोकम का भी पानी डाली और उसके बाद 1/4 ग्लास पानी डाली, इतना रख दिया, यानी कुल 1 ग्लास पानी लगा इसमें। अब इसको सालन को पकने देंगे, उसके बाद बोम्बिल डालेंगे। कितने देर पकाएंगे उसको? बोम्बिल बहुत जल्दी पक जाती है, बस डालने के साथ 2 मिनट में ही पक जाएगी। और सालन बोल ना दो, हाँ इसको बस बॉयल आने देते हैं 1-2 मिनट, ये भी सालन पकने देते। अच्छा, रेडी हो जाएगा। हाँ रेडी हो जाएगा। नमाज पढ़ के आ गया मेरा बच्चा अपने अप्पी के साथ। चलो ये देखो यहाँ पर हमारा सालन भी पकना स्टार्ट हो गया है, देख रहे थे किस तरह से पक रहा है। इस तरीके से पकना चाहिए,
तैर रहा है भाई। मैं भी खट्टा सालन खाने में बहुत अच्छा। अरे खाली खट्टा सुनो तो मुंह में पानी आना चालू हो जाता है। ये देखिए कड़ा खटखट खटखट खटखट। ये दो मिनट हो गए सालन पकते हुए। अभी फ्लेम स्लो करके हम ये बोमबिल डाल देंगे। एकदम कड़क। ये देखिए बोमबिल डालते हुए अफीन। डालने के बाद एक बार हिला लेना, उसके बाद नहीं हिला सकते क्योंकि फिर चूरा हो जाएगी बोमबिल ना। मच्छी का काटा अलग हो जाएगा, उसका गोश्त अलग हो जाएगा, है ना। इसको सिर्फ एक ही बार हिलाओ, बार बार मत हिलाओ, है ना। बार बार नहीं हिलाने का इसको, है ना। चलो एकदम ग्रेवी हो गया। डाल दी हूं बोमबिल, बस दो मिनट इसको स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ढक्कन डालेंगे ऐसे ऊपर रखेंगे अभी? चलेगा, नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे बोमबिल को भी पकते हुए दो मिनट हो गए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, बंद कर दिए। और इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे, ये इसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे। तो ये हमारा महाराष्ट्र स्टाइल बोमबिल का सालन बनके रेडी हो चुका है। पर अभी सालन बन गया, अभी जो हमने बोमबिल फ्राई के लिए मैरिनेट करके रखे थे ना बोमबिल, उसको फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह बोमबिल फ्राई में डबल मजा आएगा। सोने पे सुहागा। इसको रख देते हैं भैया, इसको साइड में रख देती हूँ। चलो बोमबिल की तैयारी करते हैं। ग्रेवी रख दी हमने साइड में। और मछली फ्राई करने के लिए हमने रख दिए काला तवा, जो एकदम काला कूट है, लोखंड का। ये लोखंड का होता है, ये बेचारे की नसीब में काला ही है, ये पैदा ही काला हुआ था, जिंदगी में काला ही रह गया था हुआ। लोखंड का तवा नहीं, इसका बनता भी अच्छा है। बनता है अच्छा यार, इसको कितना भी घसो काला ही रहता है। इसमें मच्छी रोटी वगैरह सब अच्छी बनती है एकदम। ये कहाँ से लेते? मैं अजमेर से लाई। ये भी अजमेर से। देखो वहाँ पे और राजस्थानी लोग बैठते हैं। लोखंड के सामान लेके बैठते हैं। लाल जब चमक रहा था, लेकिन जैसा गैस पे आ गया वो काला हो गया बेचारा। चलो अभी क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे तेल दो चम्मच, गरम होने देंगे जब तक हम मच्छी की तैयारी करते। तेल गरम हो रहा है, यहाँ पर देखो मच्छी भी फ्रिज में से निकाल दी बाहर। ये देखिए एकदम मसाला लग के इसको मैरिनेट किए थे। उसका इसको बाहर निकाल दिया गया है। आप क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे। उसमें डालेंगे हाफ कप बेसन। बेसन कौन सा बेसन है अपना? चने का आटा। चने का आटा इसको बेसन डालो, या आप लोगों के पास राइस फ्लावर रहेगा तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो दूर से काम चल सकते हैं कुरकुरे बनने के लिए। इससे भी हमारे तो हमेशा बेसन डाल के ही बनाती हूँ, सस्ता ही तो मिलता है वो भी। कौन सा? और कुरकुरे ही बनते हैं मेरे मच्छी फ्राई। इसी के साथ मैं डालूंगी आधा कप रवा। अच्छा इसको रवा होगा, रवा मिलाना पड़ता है इसके अंदर। रवा से तो और कुरकुरे होते हैं ना, ये बेहतर चीज है मतलब। ये देखो बारीक लो या जाड़ा लो अपने पसंद से। तो आधा कप मैंने रवा भी डाल दी, आधा कप बेसन, और क्या जाएगा इसके अंदर? अब जाएगा नमक। नमक 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 शमक नमक शमक डाल देते हैं। हाँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे बस थोड़ा। अब जाएगा इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा टेस्ट आने के लिए। थोड़ा फीकापन जरूरी है ना यार? नहीं यानी जो रवा लगाएंगे वो फीका ना लगे। अच्छा, इसलिए यहाँ पर सब तैयारी हो गई है। इसको मिक्स किया जाए, मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग बेसन नहीं लगाते हैं, चावल का आटा लगाते हैं, वो भी लगाएंगे तो चलता है, उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। और मैं बेसन लगाती हूँ तो उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। अच्छी तरह से सब मिक्स कर ली हूँ, आटा मसाला वगैरह। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बोमबिल ले लेंगे। ये देख क्या बात है, एकदम मसाले में भीगने के बाद उसके ऊपर ये आटा और सब मसाला लगा जा रहा है, इससे और हार्ड बन जाएगी अब मेरी। बहुत ही मस्त बनती है, एकदम धमाल होने वाला मतलब। और क्या, इसमें से काटा वगैरह निकाल दिए ना तो खाने में बहुत अच्छी लगती है एकदम, बिना टेंशन। पूरे अच्छी पीस भी खा सकते, उठा डाल खा लो मुँह में। बच्चे भी खा सकते, काटा तो रहता नहीं है तो काटे का टेंशन नहीं रहता इसमें। काटा निकालने का यही फायदा है मतलब, बच्चों को अपन बिंदास दे सकते हैं, बेटा ले खा, दिल खोल के खा, जी भर के खा। जितनी तवे में आती है ना एक टाइम में उतनी डालेंगे। मैं एक साथ दो डाल दूंगी,
और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, घाई नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, वरना क्या है कि अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से पक जाएगी। हाँ, तो शुरू में आराम से पूरा पकते रहेगा अंदर तक। और मच्छी हमेशा स्लो फ्लेम पर ही पकाना, अच्छी क्रिस्पी बनती है। अगर घाई में सोचा ज्यादा फास्ट कर दूं जल्दी पक जावे तो वैसा नामुमकिन है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी मच्छी स्लो फ्लेम पर ही बनाती हूं। तो उसमें कैसा अंदर तक अच्छी रह जाती है। ये देखिए क्या बात, ये दो पीस आ गई है। बड़ी बड़ी है ना, इसलिए तवे पे दो ही आई है। अच्छा, अभी ये फ्राई होती है फिर दिखाती हूं। ओके, तो मैं तो चाह रहा हूँ किचन के अंदर ही खड़े खड़े खा जाऊंगा। खा के दिखाओ ना। अरे बहुत मुंह में पानी आ रहा है। और इस तरह गरम गरम खाएंगे ना क्रिस्पी क्रिस्पी तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो भाई किचन में ही खाऊंगा, किचन में खड़े खड़े खाने के चक्कर में हुआ। खालो खालो बनने के साथ। तो ये बूमबिल हमारे एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए, इसको पलट लेंगे। क्या बात है, अच्छा कलर आया है ना। इसी तरह से स्लो फ्लेम पर बनाएंगे तो अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। चले अभी दूसरे साइड से भी पकेगा, उसके बाद में निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे बोमबिल फ्राई हो चुके, ये देखिए कितने मस्त हुए। इसको मैं साइड में कर दी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सब निकल जाए। ओहो, क्या बात है माशाल्लाह, एकदम कुरकुरे बने आपने ना। हाँ, एकदम कुरकुरे बनते। क्या बात है, कोई बोल नहीं सकता है ये बोमबिल फ्राई है, है ना। एकदम देखो ना, चिकन जैसा ही लगता चिकन, है चिकन चिकन फुल फुल चिकन लग ले। देखिए माशाल्लाह, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। इसको मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल ली हूं। और बाकी के जो है बोमबिल वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। चलो ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा, मतलब मुंह में पानी आ रहा है, खाने मेरा बहुत मन हो रहा है, तो मैं किचन में आपको खा के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, एकदम ऐसी कुरकुरी बनी है। आ गया बेटा, मतलब टूट रही है देखो कुरकुरी। क्या बात, ये मैं पहला खाऊँगा। बिस्मिल्लाह, गरम गरम खाने में मज़ा आता है। बहुत ही मजेदार चटपटी चटपटा, और जो मुंह में कुरकुर कुरकुर कर रहा है ना, आवाज आ रही ना मच्छी का, जो फ्लेवर आ रहा है बहुत मजा आ रहा। वो कहते हैं ना, बोमिल फ्राई खा के जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। शेफ हर बार बोलते हैं ना उस तरह का बोल रहे हो। वाकई में बहुत अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तरखान में मिलता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये हो गई हमारी क्रिस्पी करारी बोमबिल फ्राई। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। ये बोमबिल भी फ्राई हो गई है, और अभी हम बोमबिल के सालन को डिश आउट कर लेते हैं। बस हल्के हाथों से ही बस निकालना है, वरना बोमबिल जो है वो टूट जाती है ना। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह, एकदम कड़क लग रहा है। फिर बहुत ही जबरदस्त बनता है सालन, इस तरह का खट्टा सालन। देखिए कोकम वाला सालन है, कोकम। ये देखिए बोमिल, देखिए क्या बात, बोमिल एकदम पूरी की पूरी अखी है। बिल्कुल चुरानी हुई है, देख सकते हैं। ये मेन कला है क्या फिर। ये बहुत जरूरी होता है कि बोमिल सालन में डालने के बाद बस एक से दो मिनट ही पकाना, ज्यादा नहीं तो फिर चूरा हो जाती है। चूरा हो जाती है, हाथ में भी नहीं आती है। बराबर, जिस तरह से मैं अभी बता रही हूँ उस तरह से हाथ में ही नहीं आएगी अगर आप लोग ज्यादा पका देंगे तो। ये एकदम पीस ही पूरा एक नंबर। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी दोनों रेसिपी बोमबिल फ्राई और महाराष्ट्र स्टाइल बोमबिल का सालन बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बहुत अच्छा बना है, जितना दिखने में अच्छा है ना खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अब मेरी ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। चलिए अभी मैं, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, हम सब खाते हैं, खाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। खाने के लिए सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द खाया जाए और आपको उसका टेस्ट बताया जाए। सही बात है ना। चलो तो चलो बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए, सबको खाना देते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बोमिल का सालन, बोमिल फ्राई, रोटी
स्टीम राइस, अल्लाह ताला ने सब हमको हमारे दस्तरखान पे अल्लाह ताला ने सजा दिए। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसी तरह सजाए, अमीर हो गरीब हो अल्लाह ताला सबको हर नेमत से नवाजे। और खास करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे, उनकी हर तकलीफ को दूर करे और हमारी अक्सर मस्जिद को फिर से आबाद करे। और हम सब मिलकर फिर खाते हैं, पहले तो खाऊंगा रोटी और सालन। सही बात है, माशाल्लाह भूमिल का सालन, सलाद में सलाद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे लूंगा थोड़ा भूमिल, ये बाइट है वो जाते ही भूमिल गल गया। चलो आप लोग भी आइए हमारे साथ खाने के लिए भूमिल का सालन, भूमिल फ्राई। ये रहा भूमिल का पीस, देखो ऐसा लग रहा है पापलेट मच्छी बनाई है आपने ने। काटा निकाल के जो चौड़ा करी ना, और उसके ये भी लूंगा मच्छी का सा पीस रोटी के साथ। ये देखिए, हाँ ये बहुत मजा आ रहा है खट्टा खट्टा सालन खाने। चलो खा के मिलते, चलो फिर खाना खा के मिलते हो क्या। तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाना खाने में बहुत मजा आया। खाना खाए तो सुस्ती आ रही थी, थोड़ा आराम किया। अभी उठे, शाम हो गई है, हम लोग चाय बना के पी रहे हैं। यहाँ मेरी चाय बन रही है और शोर भी मेरे घर पे ही है, क्योंकि अभी चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो फिर चाय पीते हैं, वो भी मलाई मार के, देखो सबको मलाई डाल के अच्छी लगती है। चलो चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चाय हो गई है रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तुम भी बैठो, बूमिल का सालन खा के, बूमिल फ्राई खा के, खाना खा के मैं भी सो गया था। अभी उठे, आपने बोले चाय बनाती हूँ, बेशक उसके लिए कभी इनकार नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह एक नंबर मलाई वाली चाय बनाई है आफरीन ने। अभी हम लोग माशाल्लाह चाय पियेंगे, उसके बाद कहीं जाने का प्लान है। अब मियां दीदी निकलते हैं, जाएंगे वो बताएंगे, छोटी मोटी पूल पे जाकर। आप लोग भी चलो हमारे साथ, आओ चाय पीने। चलो ठीक है।